बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में जो टॉपिक चल रहा है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है, एक्सरसाइज नंबर 3.4। और एक्सरसाइज 3.4 का ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 3 पार्ट सॉल्व किए। ठीक है, तो मैं पार्ट नंबर 3 ही दोबारा सॉल्व करवाऊँगा, क्योंकि उससे रिलेटेड थोड़ा सा आपको बताना है कि ऑर्डर क्या रखना होता है यानी फंक्शंस का। चलें पार्ट नंबर 3 एग्जांपल ही समझ लें, कि पार्ट नंबर 3 से ही हम इसको समझते हैं कि किस तरह से ऑर्डर रखना होता है। सपोज़ हमारे पास जो फंक्शन था यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस से एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स, इसको हमने इंटीग्रेट करना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, जो दो फंक्शन है एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब यहाँ से आप देखें कि x जो है इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना आसान होता है। ठीक है, कि हम पहले पढ़ चुके हैं ना x का इंटीग्रेशन। तो x की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स स्क्वेयर बाय 2। अब नेचर लॉग ऑफ x की इंटीग्रेशन क्या होती है, इसकी इंटीग्रेशन जो है हमें दोबारा से बाय पार्ट्स यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो जिस तरह से मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि सपोज़ अगर ये जो है फर्स्ट फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और सेकंड फंक्शन नेचुरल ऑफ एक्स है जिसको हम जी प्राइम ऑफ एक्स कहते हैं बाय पार्ट्स के फार्मूला में। और फार्मूला क्या होता है बाय पार्ट्स का, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ जी प्राइम ऑफ एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ जी प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है, माइनस साइन इंटीग्रल का साइन, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि जी प्राइम ऑफ एक्स, और फिर साथ में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और फिर ये डी ऑफ एक्स होता है। ठीक है, तो मतलब कि अब यहाँ पर देखें फर्स्ट फंक्शन जो है वो एज इट इज़ आ जाता है। ठीक है, और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन हमने फाइंड करनी होती है। ठीक है, और दोबारा से माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि सेकंड फंक्शन ऐसा होना चाहिए कि जिसकी इंटीग्रेशन फाइंड करना आसान हो। ठीक है, उसके लिए हमें दोबारा से बाय पार्ट्स अप्लाई ना करना पड़े। एक तो हम इन दोनों का यानी कि इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए, इन दोनों के प्रोडक्ट की इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए हम बाय पार्ट्स अप्लाई कर रहे हैं। एक ये ना हो कि इस फंक्शन की अलहदा से जब इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, जिस तरह से यहाँ पे सेकंड फंक्शन बताया गया है कि जी प्राइम ऑफ एक्स जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, तो इसकी इंटीग्रेशन फाइंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि एक्स है इंटीग्रल ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है। ठीक है, उसके बाद फिर इंटीग्रल साइन और इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है। इस केस की मैं बात करूँगी फर्स्ट फंक्शन जिसमें हमने एक्स को कंसिडर किया हुआ है, और सेकंड फंक्शन हमने नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को कंसिडर किया हुआ है। तो यहाँ पर ये हो गया नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। उसके अलावा डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा यहाँ पर, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ हम एक्स कह देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कह सकते हैं। बाकी डेरिवेटिव, ये जो डेरिवेटिव है डी और डी एफ एक्स, ठीक है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना तो बहुत आसान होगा। ठीक है, जो कि वन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो दो टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए हमें अलहदा से बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में तो हमने, यानी कि पिछले लेक्चर में आप अगर देखें, यही हमने पार्ट सॉल्व किया है, उसमें हमने यहाँ पर डायरेक्ट इसकी वैल्यू कैसे लिख दी थी, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर उसका पार्ट नंबर 1 यानी कि सेकंड पार्ट जो सॉल्व किया था वो इसी की इंटीग्रेशन थी जिसको हमने बाय पार्ट से सॉल्व किया था, और उसका रिजल्ट हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया था। ठीक है, मतलब कि इसकी इंटीग्रेशन अब यहाँ पर हमारे पास तो नहीं है ना गिवन, तो हम यहाँ पर इसको यानी कि इंटीग्रेट करने के लिए हमें अलहदा से बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम ऐसा फंक्शन सेकंड जो है सेकंड फंक्शन ऐसा सेलेक्ट करें कि जिसकी इंटीग्रेशन फाइंड करना आसान हो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं जिस तरह से हमें जो फंक्शन गिवन है, यहाँ पर मैं दोबारा से लिखता हूँ, एक्स नेचर लॉग ऑफ एक्स है। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन हमने फाइंड करनी है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू नेचर लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स डी एक्स। मतलब कि अब इस केस में सेकंड फंक्शन क्या बन गया, सेकंड फंक्शन एक्स बन गया। इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करना आसान है। मतलब अब मैं दोबारा से इसको बाय पार्ट्स में पुट करता हूँ तो क्या होता है, मतलब अब हमने जो है फाइंड करें नेचर लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन इस केस में अब क्या हो गया, नेचर लॉग ऑफ एक्स, और सेकंड फंक्शन इस केस में क्या हो गया, एक्स। ठीक है, तो हम अप्लाई कर देते हैं, पुट कर देते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब नेचर लॉग ऑफ एक्स
और साथ में क्या आ जाएगा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, माइनस का साइन, फिर इंटीग्रल का साइन, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि एक्स डी एक्स, और फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और फिर एंड पे डी एक्स। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, अगर इस इन दोनों को कंपेयर करें, मतलब ऊपर जो हमने देखा था, ठीक है, इसमें आप देखें तो यहाँ पर हमें इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करते हुए दोबारा से बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ता है, इसकी और इसकी, ठीक है, बाय पार्ट्स से ये इंटीग्रेट होती है। लेकिन हमने सिर्फ क्या किया, ऑर्डर चेंज किया, सेकंड फंक्शन हमारा एक्स बन गया, जिसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, मतलब एक्स जो है वो उसको, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब एक्स स्क्वायर बाय टू होगा, ठीक है, तो हम आसानी से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, और डेरिवेटिव भी नेचुरल ऑफ एक्स यहाँ पर हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, मतलब अब हमें इसमें बाय पार्ट्स अप्लाई करते हुए दोबारा से बाय पार्ट्स यानी कि उसमें अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए बेहतर रहेगा और आसान रहेगा। ठीक है, मतलब ऑर्डर चेंज कर लेना आपने, यानी कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को सिलेक्ट कैसे करना है कि सेकंड फंक्शन ऐसा हो जिसकी इंटीग्रेशन आप आसानी से फाइंड कर सकें, जिसकी इंटीग्रेशन करते हुए आपको दोबारा से बाय पार्ट्स अप्लाई ना करना पड़े। ठीक है, तो ये मेन चीज़ यहाँ पर ये समझने वाली है, आगे भी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपने ऑर्डर का ख्याल रखना है। ठीक है, पहले तो हम देख चुके हैं ना कि बाय पार्ट्स होता क्या है, उसका फार्मूला क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, कब अप्लाई करते हैं, ये चीज़ें हमने देख ली, लेकिन अब आपने ऑर्डर का भी ख्याल रखना है साथ साथ। ठीक है, मैं साथ साथ बताता जाऊँगा हर एक क्वेश्चन में कि आपने इसमें ऑर्डर क्या रखना है, अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन हो, यानी कि अब कॉम्बिनेशन है नेचुरल ऑफ एक्स और जो एक्स का, ठीक है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, नेचर लॉग, लॉग की एक्सप्रेशन है एक, और एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इन दोनों में आपने क्या करना है कि फर्स्ट फंक्शन नेचर लॉग वाले को रखना है, लॉग वाले फंक्शन को रखना है, और सेकंड फंक्शन आपने अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को रखना है, तो ये आपने ऑर्डर रखना है। तो इससे आपको क्या आसानी होगी, अभी आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये नेचर लॉग ऑफ एक्स एज इट इज, ठीक है, और फिर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस इंटीग्रल साइन और एक्स स्क्वायर बाय टू इसकी इंटीग्रेशन, और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वन ओवर एक्स होता है, और साथ में डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ से देखें जो टर्म्स कैंसिल आउट होती हैं उसको कैंसिल कर देते हैं, मतलब कि ये एक्स जो है इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी जो हमारे पास रिजल्ट बचेगा वो क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स, और वन बाई टू जो है वो कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले आते हैं, और एक्स डी एक्स। अब इसको हम यानी एक्स स्क्वायर बाय टू को मैं पहले लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर बाय टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस वन बाई टू ऑलरेडी बाहर है, और एक्स की इंटीग्रेशन यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जो कि हम पहले भी ऊपर भी फाइंड कर चुके हैं, जो कि एक्स स्क्वायर बाय टू होता है, एक्स स्क्वायर बाय टू। ठीक है, अब इसको हम मजीद अच्छा इसके अलावा यहाँ पर प्लस सी भी लिख दें, क्योंकि अब हम इंटीग्रेट कर चुके हैं, तो यहाँ पर आप लिखें कि ये एक्स स्क्वायर बाय टू नेचर लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय फोर या फिर वन बाय फोर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमने इंटीग्रेशन फाइंड कर ली किसकी, एक्स नेचर लॉग ऑफ एक्स की फाइंड की है, ठीक है, जिसको हमने रीअरेंज करके लिखा था, जो कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स डी एक्स लिखा था। ठीक है, इस तरह से हमने इंटीग्रेट किया, कितना छोटा सा, यानी कि आसान हो गया हमें सॉल्व करना, इसको इंटीग्रेट करना कितना आसान हो गया, सिर्फ हमने क्या किया कि शुरू में ऑर्डर का ख्याल रखा है कि ऑर्डर हमें क्या रखना चाहिए। तो इस चीज़ का आप अगर ख्याल रखेंगे ऑर्डर का कि क्या ऑर्डर हो, तब आपका जो है क्वेश्चन बहुत सिंपलीफाई हो जाएगा, यानी कि सिंपल हो जाएगा उसको इंटीग्रेट करना। तो पिछले क्वेश्चन में यानी कि पिछले लेक्चर में हमने इसी पार्ट को सॉल्व किया था, तो बहुत लेंथी वो बन गया था, उसको हमने अलग से बाय पार्ट्स भी अभी सॉल्व नहीं किया था, हमने ऊपर से वैल्यू उठाई थी, तब भी जो है बहुत लेंथी बन गया था, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो कितना आसान बन गया। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, अब इस तरह से इस चीज़ का भी ख्याल रखते हुए हम अगले क्वेश्चन भी यानी कि पार्ट्स जो है क्वेश्चन नंबर वन के वो सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर फोर पर आते हैं, ये था पार्ट नंबर थ्री। पार्ट नंबर फोर क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स और इसकी इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ये भी आप देखें, पहले तो था एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, अब क्या है एक्स स्क्वायर इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स,
इसमें सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डर आपने क्या रखना है, कि मैंने बताया था जब आपके पास लॉग की एक्सप्रेशन हो, लॉग का फंक्शन हो, और दूसरा आपके पास अल्जेब्रिक फंक्शन हो, तो आपने क्या करना है, पहला फंक्शन लॉग वाले को कंसिडर करना है, ठीक है। मतलब कि आप इसको रीऑर्डर करें, नेचर लॉग ऑफ एक्स लिखें और साथ में एक्स स्क्वायर लिखें, डी एक्स लिखें और इसको इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। यानी कि फर्स्ट फंक्शन जो है आपका क्या बन जाएगा, लॉग फंक्शन, नेचर लॉग ऑफ एक्स, और सेकंड फंक्शन आपका क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट करके देखें, आपको बहुत आसानी से ये यानी कि आप इसको बहुत आसानी से इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट भी, यानी कि पार्ट नंबर 5 भी, उसमें एक्स क्यूब है, ठीक है, शामिल, तो ये वो भी आप आसानी से फाइंड कर लेंगे। सिक्स पार्ट भी मैं स्किप कर देता हूँ, वो भी इसी तरह से लॉग और अल्जेब्रिक फंक्शंस का यानी कि प्रोडक्ट है, तो उससे भी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, पार्ट नंबर 7 पर आते हैं। पार्ट नंबर 7 क्या है, पार्ट नंबर 7 में जो हमें फंक्शन इंटीग्रेट करने के लिए दिया गया है वो है टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स, और उसको हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसलिए साथ में डी एक्स है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी वही केस है कि यहाँ पर सिंगल फंक्शन हमें गिवन है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। सबसे पहले तो अगर आपको कोई सिंगल यानी कि फंक्शन गिवन हो, आपने ये देखना है कि क्या हम इसको किसी फार्मूला से या किसी थ्योरम से को यूज़ करते हुए या कोई सब्सटीट्यूशन यूज़ करते हुए हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, या फिर आप उस तरह से भी देख सकते हैं कि क्या कोई ऐसा फंक्शन हमने अभी तक देखा है कि जिसका डेरिवेटिव ये हो, जिसका डेरिवेटिव फाइंड करें तो ये आ जाए, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में इनवर्स है ना, तो कोई ऐसा फंक्शन हमने अभी तक ऐसा देखा है जिसको हमने डेरिवेटिव उसका यानी कि ड्राइव किया हो, तो हमारे पास क्या आ जाए, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स आ जाए, नहीं, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे कि आप इसको बाय पार्ट्स ही सॉल्व करेंगे, जिस तरह से नेचर लॉग ऑफ एक्स भी सिंगल फंक्शन था, उसके साथ हमने क्या किया था, किस तरह से उसको इंटीग्रेट किया था, उसके साथ हमने ये किया था कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है वो हमने साथ में लिखती थी, मल्टीप्लाई करती थी, यानी कि इस तरह से टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स इंटू वन कर देंगे, ठीक है, दो फंक्शंस बन गए, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस बन गए, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और बाय पार्ट्स हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर हमने जिस तरह से पिछले पार्ट में हमने देखा कि हम ऑर्डर कैसे रखेंगे, मतलब टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन रखना चाहिए या फिर वन को फर्स्ट फंक्शन रखना चाहिए जिसकी इंटीग्रेशन आसान हो। टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन, जैसे कि हमने ऊपर ही देखा है अभी, कि हमें बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको मतलब अगर मैं लिखता हूँ कि फर्स्ट फंक्शन इसी को रहने देता हूँ तो क्या होगा, बाय पार्ट्स अगर मैं अप्लाई करूँगा तो क्या होगा, पहला फंक्शन इसी तरह से और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, माइनस का साइन, इंटीग्रल साइन, और इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट सेकंड फंक्शन वन डी एक्स, और साथ में डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो मतलब कि हमने फर्स्ट फंक्शन टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स को रखा इस केस में, फर्स्ट फंक्शन, और इसको मैंने रखा सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन रखूँ तो क्या होगा, यानी कि एक्स को फर्स्ट फंक्शन रखूँ, ये वन को एक्स फर्स्ट फंक्शन रखूँ और टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स को जो है सेकंड फंक्शन रखूँ, मतलब कि एक्स, बार बार मैं एक्स लिख रहा हूँ, साथ में वन मौजूद है, वन इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, तो इस केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन वन बन गया और सेकंड फंक्शन जो है वो टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स बन गया। अब इसको हम बाय पार्ट्स अप्लाई करें तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साथ में इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स, माइनस इंटीग्रल का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी एक्स। तो ये देखें अब ऑर्डर से कितना फर्क पड़ जाता है, इस केस में ऑर्डर हमने ये रखा तो इसमें वन की इंटीग्रेशन आसान है, यहाँ पे भी वन की इंटीग्रेशन आसान है, डेरिवेटिव भी हमने टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स का पढ़ा हुआ है, मतलब कि सब वैल्यूज हमें पता है, हम आगे सॉल्व कर सकते हैं इसको दोबारा से बाय पार्ट्स यूज करने के अलावा, ठीक है।
तो अब यहाँ से आप देखें, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज हमने रखा, सेकंड में क्या है कि सेकंड फंक्शन का यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन दोबारा से इस पर हमें बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा, बाय पार्ट्स, जबकि हम पहले से बाय पार्ट्स यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर भी हमें बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो डेरिवेटिव चले इसका आसान है, लेकिन ये ज़ीरो हो जाएगा चले, लेकिन हमें दोबारा से इसकी जो है बाय पार्ट्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, ये क्यों ज़ीरो होगा, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट इज ज़ीरो, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये होल टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो हमें सॉल्व करना ना इसको, इसकी तो इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, दोबारा से बाय पार्ट्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि ऑर्डर ये वाला ठीक है, कि जिसमें आपको, हमें ऑर्डर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, ऑर्डर के बारे में मैंने आपको बताया था फंक्शन आपने फर्स्ट वो कंसिडर करना है, सेकेंड फंक्शन आपने वो कंसिडर करना है जिसकी इंटीग्रेशन फाइंड करना आसान हो, डायरेक्टली आप इंटीग्रेट कर सकें। ठीक है, जिस तरह से सेकेंड फंक्शन अब यहाँ पर क्या है, वन है। ठीक है, इसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, अगर यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स होता तो उसकी इंटीग्रेशन जो है वो मुश्किल है, तो इस वजह से उसको मैंने सेकंड फंक्शन के नंबर पे नहीं रखा। ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स इंटू वन, वन की इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज एक्स, माइनस वन की इंटीग्रेशन इज एक्स इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ गया, यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं है बल्कि डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव हम पहले पढ़ चुके हैं, वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और साथ में यहाँ पर डी एक्स आ जाएगा, आगे मजीद इसको सॉल्व करेंगे, ये बन गया टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है, एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर को इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखें यहाँ पर हमने पढ़ा था कि एक थ्योरम पढ़ा था कि नीचे फंक्शन हो उसका ऊपर, यानी कि डिनोमिनेटर में फंक्शन हो और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो वो नेचर लॉ ऑफ फंक्शन के इक्वल होता है उसकी इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, ये फंक्शन अगर हम इसको कंसिडर करते हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर को या एक्स स्क्वायर प्लस वन को, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, 2x बनता है, ऊपर तो x मौजूद है, तो 2 हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर हम 1 बाई 2 से डिवाइड, यानी कि 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास नीचे फंक्शन बन गया, ऊपर उसका डेरिवेटिव बन गया, अब इसके हम इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। तो पहली टर्म्स उसी तरह से x टेंजेंट इनवर्स ऑफ x माइनस 1 बाई 2 और ये नेचर लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस सी। ठीक है, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो हम इसके साथ प्लस सी लिख देंगे। तो ये इसकी इंटीग्रेशन थी, अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करके देखें तो आपको बहुत मुश्किल पेश आएगी इसमें, इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करते हुए। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट नंबर 7, आगे मजीद चलते हैं जी। पार्ट नंबर 8 क्या है, पार्ट नंबर 8 में हमें एक फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स dx। अब ऐसे केस भी आ सकते हैं, देखें जिस तरह से ये हमारे पास पार्ट आया है कि जिसमें इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर की भी आसान है, साइन ऑफ एक्स की भी आसान है। ठीक है, तो इस केस में हमने ऑर्डर का कैसे ख्याल रखना है, मतलब साइन ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस ऑफ एक्स हम डायरेक्टली यानी कि लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी यानी कि बाय पार्ट दोबारा से अप्लाई करके हमें फाइंडिंग करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन ये भी आसान है, एक्स क्यूब बाय 3 होती है, वो भी हमें बाय पार्ट से यूज नहीं यानी कि फाइंड नहीं करनी पड़ती। तो इस केस में हम किसको फर्स्ट फंक्शन रखेंगे, किसको सेकंड फंक्शन रखेंगे, ये हम देखते हैं इस क्वेश्चन। देखें अगर अब इस केस में हमने इंटीग्रेशन दोनों की आसान हो तो हमें डेरिवेटिव पे आ जाए कि किसका डेरिवेटिव फंक्शन को डिक्रीज कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, मतलब साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या, चलें मैं पहले बाय पार्ट्स में लिख देता हूँ इसको, कि हमने इसको फर्स्ट फंक्शन कंसिडर किया फर्स्ट, और इसको हमने सेकंड फंक्शन कंसिडर किया, तो बाय पार्ट्स में हम लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर और इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन साइन, और
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और साथ में डी एक्स, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस ऑफ एक्स, और माइनस का साइन फिर इंटीग्रल, और साइन ऑफ एक्स की माइनस कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स ये माइनस कॉस ऑफ एक्स होता है, ठीक है। तो मैं माइनस बाहर लाकर मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसके साथ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा प्लस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज टू एक्स, उसके बाद ये डी एक्स यहाँ से उतार लेंगे। अच्छा, आगे मजीद सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर बल्कि माइनस यहाँ पर ले जाते हैं पहले, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ टू बाहर ले आते हैं एक्स कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। अब इसमें हमें जो है एक्स कॉस ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन हमने पहले पढ़ी हुई है कि उस पर हम ये क्या फॉर्म बन गया, एक फंक्शन ये है एक फंक्शन ये है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है इस पर, यानी कि हमें दोबारा से बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए अप्लाई कर देते हैं बाकी टर्म्स, उसी तरह से माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स प्लस टू, और इस पर हम बाय पार्ट्स अप्लाई करने जा रहे हैं। पहला फंक्शन हमने एक्स रखा हुआ है, एक्स एज इट इज, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रल यानी कि सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल क्या बनेगा, कॉस ऑफ एक्स का साइन ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल साइन साइन ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज वन डी एक्स, ठीक है। मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया, इसकी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर दिए, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स प्लस टू इंटू एक्स साइन ऑफ एक्स माइनस, अब यहाँ पर है साइन ऑफ एक्स इंटू वन इज साइन ऑफ एक्स ही आएगा, और साइन ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस ऑफ एक्स, माइनस कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। और प्लस सी कर देंगे, चलिए यहाँ पर प्लस सी कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा प्लस कॉस ऑफ एक्स। उसके अलावा जब हम इसको यानी कि ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो टू इसके साथ भी आके मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी आके मल्टीप्लाई होगा, चलिए मैं यहीं पर ब्रैकेट्स ओपन कर देता हूँ, तो ये टू इसके साथ आके मल्टीप्लाई हुआ और टू इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ना ऊपर, इसलिए मैंने दोनों के साथ लिख दिया प्लस सी वन या सी जो भी आप कोई भी कॉन्स्टेंट लिख दें यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसकी इंटीग्रेशन होगी, मतलब हमने फर्स्ट फंक्शन इससे कंसिडर किया एक्स स्क्वायर को, सेकेंड फंक्शन हमने कंसिडर किया साइन ऑफ एक्स को। अच्छा, अब मैं अगर इसका ऑर्डर चेंज करता हूँ तो क्या इस पर असर होता है, ठीक है, वो हम देखते हैं कि हम लिखते हैं साइन ऑफ एक्स पहले लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन और एक्स स्क्वायर जो है उसको सेकेंड फंक्शन लिखते हैं, तो क्या होता है, इसको बाय पार्ट्स में यानी कि पुट करते हैं, साइन ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस इंटीग्रल साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इज एक्स क्यूब बाय थ्री इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज साइन ऑफ एक्स का कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा डेरिवेटिव और साथ में डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से आप देखें कि हमारे पास आ गया साइन ऑफ एक्स इंटू एक्स क्यूब बाय थ्री, इसका जब हमने डेरिवेटिव लिया तो इसकी पावर इंक्रीज होगी, ठीक है, पावर इंक्रीज होगी, तो ये इस पे क्या फर्क पड़ा कि इंटीग्रेशन के अंदर जो टर्म आ रही थी उसमें यानी कि वो रिड्यूस नहीं हुई, वो टर्म उसकी पावर इंक्रीज होगी, तो वन ओवर थ्री चले बाहर ले जाते हैं हम, तो एक्स क्यूब इंटू कॉस ऑफ एक्स बन गया डी एक्स। जब हमने ऑर्डर दूसरी तरह रखा था तो क्या हुआ था, हमारे पास इसकी पावर डिक्रीज हो गई थी एक्स कॉस ऑफ एक्स, ठीक है, इस केस में हमारे पास एक्स कॉस ऑफ एक्स आया था और इस केस में हमारे पास एक्स क्यूब कॉस ऑफ एक्स आया, ठीक है। इसको दोबारा से आप अगर सॉल्व करें, मतलब कि हमने पहले ट्रिग्नोमेट्री रखा है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले रखा है, इसको हम दोबारा से कॉस ऑफ एक्स इंटू एक्स क्यूब रखें, अगर यही ऑर्डर मैं लेकर चलूँ तो क्या होगा, फिर दोबारा से इसकी पावर जो है इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, डेरिवेटिव जब इसका लेंगे, बल्कि हम इसको यानी कि एक्स क्यूब पहले रखेंगे तब जाके इसका डेरिवेटिव आएगा ना, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा,
एक्स क्यूब का तो डेरिवेटिव अगर हम यहाँ से फाइंड करें तो 3x² होता है, मतलब कि रिड्यूस हो जाती है पावर। लेकिन अगर हम इसको ऑर्डर चेंज करें, कॉस ऑफ एक्स इंटू एक्स क्यूब करें, तो क्या होगा, इसकी हमें इंटीग्रेशन फाइंड करनी पड़ेगी, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स पावर 4/4, मतलब कि पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो हमने ऐसा फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करना है जिसमें जिसका डेरिवेटिव लें तो वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है, उसकी पावर कम हो जाए। अगर मैं साइन ऑफ एक्स पहले रखता हूँ तो वो तो कॉस ऑफ एक्स उसका डेरिवेटिव हो जाता है, ठीक है, और कॉस ऑफ एक्स हो तो उसके माइनस साइन ऑफ एक्स हो जाता है। तो इस तरह से यानी कि उसका ऑर्डर हमें इस लिहाज से रखना है। तो ये सारे पार्ट्स आपने जो है वो सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि चलें पार्ट 10 तक आप इसको सॉल्व कर लें, तो मज़ीद आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में, ऑर्डर के बारे में दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, और कुछ एक दो पार्ट्स में साथ में इसके सॉल्व करा दूंगा पहले क्वेश्चन के, ठीक है। तो यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं क्योंकि लेक्चर का टाइम ओवर हो गया, यहाँ पर इस लेक्चर को मैं ख़त्म करता हूँ।